हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट में क्या आपका पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट, जस्ट बी माइंडफुल। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है, आपको मिस कर भी रहा है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। यू हैव द नाइट ऑफ वांड्स, आपका पर्सन बहुत रेस्टलेस है। ओवरऑल उसकी जो जनरल एनर्जी है काफी रेस्टलेस है। क्या ये आपके बारे में सोच भी रहा है, क्या ये आपको मिस भी कर रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन। लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि अगर वो आपके लिए ये सब फील कर रहे हैं तो वॉट हैज़ पुल्ड द टू ऑफ योर पार्ट। अनदेखे अनजाने ब्लॉकेजेस, कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपको आपके बारे में जब वो सोचते हैं ना तो वो सोचते हैं कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो कहीं ना कहीं जो भी हुआ वो क्यों हुआ मुझे लगता है कि आपके पर्सन को भी नहीं पता। कुछ जो आपका प्यार था उसके लिए वो उस प्यार को मिस करता है, उस प्यार के बारे में सोचता ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अफेक्शन जो है वो उस तरह से नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो एक रेस्टलेसनेस है उसके उसके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको लगा कि आपको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको आप उनके टक्कर के हो बेसिकली, आपको वो उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाए, उस तरह से जैसे होता है ना कि दे वॉन्टेड टू टेम यू बेसिकली, लेकिन उनको लगा कि आपके अंदर इतना खुद का जुनून है, इतना खुद का अग्रेशन है, इतना खुद का एक कंट्रोल है अपनी ज़िंदगी के ऊपर कि वो आपके ऊपर वो उस तरह का कंट्रोल रख ही नहीं पाया। और उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये सही नहीं है कनेक्शन के अंदर, एक कनेक्शन में उनका कंट्रोल होना चाहिए। सो उनको लगा कि वो कंट्रोल उनका आपके ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन कुड हैव एंडेड। उसके साथ साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी जो है उसकी वजह से भी कनेक्शन खत्म हुआ। लेकिन ये पर्सन स्टिल आपके प्यार को मिस करता है, ये पर्सन स्टिल आपकी आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है उसको मिस करता है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी मिस करता है कि आप इस कनेक्शन में डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा खुश रख रहे थे, आपकी तरफ से फुल इन्वेस्टेड थे आप इस कनेक्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन को लगता था कि आपका होना उसकी ज़िंदगी में एक रेस्टलेसनेस ऐड करता है, और साथ साथ एक कंट्रोल जो वो चाह रहे थे वो इस कनेक्शन में उनका नहीं हो पाया। एक और चीज़ जो इस रिलेशनशिप को फर्दर ब्लॉक कर रही थी वो ये था कि इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, चाहे वो काम से कनेक्टेड हैं चाहे वो फ्रेंड्स हैं, वो भी इस रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सो डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, और फिर सब ये जो ब्लॉकेजेस थे उनके बारे में भी सोचते हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कभी आपसे रिवील नहीं की। उनकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, उनके उनके लोगों का आपके बारे में बात करना हो सकता है, हो सकता है कि उनके लोग, उनके जो फ्रेंड्स हैं या उनके जो क्लोज लोग थे, चाहे उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, उनको लगा कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है क्योंकि आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। आप जब बातें करते हो, आप जब आर्ग्यू करते हो, आप जब फाइट करते हो तो शायद उसको बहुत कुछ सुना देते हो, जिसकी वजह से उसको लगा कि ये अगर हम शादी की बात करें, कमिटमेंट की बात करें, तो पार्टनर ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सब मिल मिलाकर आपके पर्सन को आपसे दूर किया है उन चीज़ों ने। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, और लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, फर्दर देखते हैं और क्या चलता है उनके मन में आपको लेकर। क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते भी हैं, क्या ये आपको मिस करते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गिफ्ट थे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस करता है, सोचता है आपके बारे में। अच्छा, मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए इस पर्सन की जिंदगी में अभी कोई नहीं है,
और हो भी नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इमोशनल फुलफिलमेंट आप इसकी जिंदगी में लेकर आए थे वो इसको कहीं और से नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन वो आपके साथ फील करते थे, एक उसमें एक्साइटमेंट थी, उस कनेक्शन में एक पैशन था, एक लव था। और ये पर्सन काफी एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में जो एक ख्वाहिश है ना लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उनको लगता है कि वो आपके साथ बहुत ओपन हो चुके थे, आपको वो कुछ भी कहते हुए घबराते नहीं थे। अगर हम फिजिकल इंटीमेसी की भी बात करें, जो उनके डिजायर से, गोल्स से, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर भी वो भी आपके साथ वो ओपनली कह देते थे, उनको वो फियर नहीं होता था कि आप उनको जज नहीं करो या आप उनको नेगेटिव मत लो। तो वो सब चीजें आपके पर्सन को काफी आपके जाने के बाद, आपके साथ कनेक्शन खत्म होने के बाद, आपके पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जिंदगी में आपसे पहले भी शायद कोई ऐसा सच कोई उनकी लव लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं रही होगी, और आपका जाना उनकी जिंदगी से, उनकी जिंदगी में एक एम्प्टीनेस दिख रही है, लव लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे नहीं लगता कि पर्सन इतना एक ओपन काइंड ऑफ पर्सन है, जो कि जिसको हर किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट होना है, या किसी को, हर किसी के साथ उसको एक रिलेशनशिप चाहिए। ये पर्सन बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल किस्म का इंसान हो सकता है, और इसकी लाइफ में अगर कोई क्लोज होता है तो वो खुद के एफर्ट से होता है, और इसकी लाइफ में अभी कोई ऐसा नहीं है जो इसकी लाइफ में एफर्ट डाल के इसके पास हो रहा हो। आपने शायद ये एफर्ट डाला था, इस वजह से आप इसके पास थे, और अभी ये पर्सन यही चीज मिस कर रहा है। उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसमें इंटरेस्टेड हो। तो हो सकता है कि जो ये पर्सन है ये आपको पसंद था, लेकिन हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता, ये भी पॉसिबिलिटी है। या इसका इसका जो जॉब है या जो इसका स्टेटस है वो भी एक रीजन हो सकता है कि लोग इसको उस तरह से अप्रोच नहीं करते। तो आपके अंदर वो गट्स थे कि आप उसको इस तरह से देखते थे, आप उसको इस तरह से चाहते थे, तो वो सारी चीजें मिल मिला कर आपके पर्सन जो है वो आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, आपके आपके साथ जो कनेक्शन था उसको मिस करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ले नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। विल दे टेक एक्शन टुवर्ड्स यू? विल दे टेक एक्शन टुवर्ड्स यू? हेरोफेंट का कार्ड है तो डेफिनेटली एक्शन लेगा पर्सन, और मुझे लगता है कि कमिटमेंट या इस तरह की किसी सॉलिड स्टेप के साथ ही एक्शन लेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस इंसान की जिंदगी में जो आपकी कमी है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, और ये आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि इनके ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हों, लेकिन ये उस तरह के रिलेशनशिप पे नहीं है किसी के साथ जहां पर कोई लविंग रिलेशनशिप हो, बातचीत होती होगी किसी से किसी से। बट एट द सेम टाइम इनकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा ना कि इनको जब तक लव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पर्सू नहीं करता, ये वैसे पर्सन नहीं है कि वो खुद एक्शन लेंगे। सो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे 5 दिन, हफ्ते, महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, और एक्शन जो है वो काफी सॉलिड होगा। या आपको डायरेक्ट प्रपोज करने की कोशिश करेंगे और आपसे बात करेंगे कि ये आप के साथ होना चाहते हैं, आपके पास होना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हो तो ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहेंगे। सो मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि करंटली पर्सन जो है या तो पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने से ब्लॉक किया हुआ है। कहीं ना कहीं राइट नाउ आप दोनों के दरमियान में जो है वो कुछ मेजर ब्लॉक है, लेकिन आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने के अंदर अंदर ये ब्लॉक खत्म होगा, और आपके पर्सन का जो है रिकनसिलिएशन का जो चांस है वो डेवलप हो जाएगा। सो लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से, आपके लिए क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स सी, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन। नंबर 9, आपके पर्सन को लगता है कि आप जो हो ना वो बहुत परफेक्ट हो, आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही हो सकता है। उसको नहीं लगता कि आप जैसा कोई और दूसरा बना होगा कभी भी, और यही वो चीज़ है जो आपके पर्सन आपके बारे में सबसे ज्यादा मिस करते हैं। उनको लगता है कि आप परफेक्ट हो इन ईच एंड एवरी परस्पेक्टिव। ये पर्सन जो भी है काफी डेड एंड ड्राई किस्म का हो सकता है, एंड स्टिल आप इसके साथ रहे, इसके पास रहे, वो चीज़ ये एडमायर करता है। यू ऑलरेडी नो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और कैसे ये आपको लेते थे, कैसे आपके साथ थे इस कनेक्शन में। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। आई एम ओपन टू कम्प्रोमाइज। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ओपन है टू कम्प्रोमाइज इज वेल, जहां पर इसको लगता था कि ये कंट्रोल खो देगा, तो ये कंट्रोल खोने के लिए भी तैयार है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं फॉर श्योर। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द अंडरनीथ द एट ऑफ सोल्स। क्या है आगे? यस, ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे। 10 ऑफ सोल्स का कार्ड है उसके बाद, और उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब कि पर्सन जो है
इसको जो करंटली एक वो है ना ब्लॉकेजेस जो इसको ब्लॉक कर रहे हैं मेंटल फिजिकल इमोशनल, ये उन सबको खत्म कर देगा और उसके बाद ये स्ट्रेंथन अप करेगा अपने आप को कि आपकी तरफ इतना करेज इसमें हो कि आपकी तरफ खुद एक्शन ले सके कमिटमेंट की ऑफर करने के लिए, तो वो सब ये करेगा। सो मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोगों के लिए, मुझे लगता है जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो अर्थ साइन हो सकता है, स्पेशली टॉरस मुझे लग रहा है यहाँ पर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकता है या फिर आप इन साइंस को डील कर रहे हो सकते हो, और सॉरी आपके ये साइंस हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि पर्सन इन साइंस भी हो सकता है, पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ही पर्सन जो भी है काफी स्ट्रांग हेडेड है, इमोशनली जो है वो थोड़ा इमेच्योर है या थोड़ा स्टूपिड कह लो, क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, सो इमोशनली दे आर वेरी नाइव लाइक वेरी स्टूपिड वेरी जैसे होता ना कि क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस नहीं रहे या ये इतने इमोशनल नहीं रहे किसी के साथ, तो इनको पता नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो उस तरह की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे और क्या है मैसेज उसका आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, क्या है उसका मैसेज आपके लिए। सेकेंड, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको लूज नहीं करना चाहता है। सो ये है रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इससे हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।